जदों श्री गुरु नानक देव जी नूं पता लगा कि मुल्तान शहर दे पीर किसे होर पीर नूं अपने शहर विच नहीं रहण दिंदे तां गुरु जी ने मुल्तान शहर जाण दा मन बना लिया ते भाई मरदाना जी नूं नाल लै के मुल्तान विखे पहुँच गए ते शहर दे बाहर वार जा के अपना डेरा लगा लिया। जदों इस गल दी खबर मुल्तान दे पीरां नूं होई तां उन्हां ने अपने चेलियां नूं गुरु जी दे पास भेज दिता ते उन्हां चेलियां दे हाथ विच एक दुध दा कटोरा सी जिहड़ा कि उपर तक दुध नाल भरिया होया सी। दुध नाल भरे इस कटोरे दा अर्थ सी कि साडा शहर पहला ही पीरां फकीरां नाल भरिया होया है ते हुण कोई होर फकीर इस शहर विच नहीं रह सकदा। गुरु जी उस दुध दे भरे कटोरे दा अर्थ समझ गए ते उन्हां ने बिना कुछ बोले चुप चाप उस दुध दे कटोरे विच एक चमेली दा फुल रख दिता ते पीरां दे चेलियां नूं कहा कि इस कटोरे नूं वापिस अपने पीरां कोल लै जाओ। पीरां ने जदों अपने भेजे हुए दुध दे कटोरे विच चमेली दा फुल देखिया तां उह बड़े हैरान होए ते उह सारे जाणे इकट्ठे हो के गुरु जी पास पहुँच गए। पीरां विचों एक पीर ने गुरु जी नूं सवाल कीता कि साडे दुध दे कटोरे विच जिहड़ा तुसीं चमेली दा फुल पाया है इस दा की अर्थ है। तां गुरु जी ने पीरां नूं समझाउंदिआं होइआं उत्तर दित्ता कि असीं इस शहर विच किसे दी थां मल्लण नहीं आए बल्कि असीं तां इत्थे परमात्मा दे नाम दी खुशबू वंडण आए हाँ। तां पीरां विचों एक होर पीर ने गुरु जी नूं दूसरा सवाल कीता कि तुहानूं देख के तां लगदा है कि तुसीं ग्रस्ती जीवन बतीत कर रहे हो तां फिर तुहाडा साडे नाल की मेल है। तां गुरु जी ने पीरां नूं समझाउंदिआं होइआं उत्तर दित्ता कि ग्रस्ती जीवन कदे भी खराब नहीं हुंदा क्योंकि जेकर ग्रस्ती जीवन वाले इंसान बुरे हुंदे हन तां उन्हां दीआं कमाईआं नाल बणीआं होईआं रोटियां नूं खाण वाले सन्यासी फिर किवें वड्डे हो सकदे हन। कई सारे पीर फकीर अपणीआं झूठीआं करामातां दिखा के ग्रस्ती लोकां नूं डराउंदे हन ते उन्हां नूं लुटदे हन। इस तरह करन नाल उह अपना इह जीवन तां खराब कर ही लैंदे हन ते नाले अपना परलोक भी विगाड़ लैंदे हन। धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे बचनां दा उन्हां पीरां उपर बहुत असर होया ते अखीर विच उह सारे पीर गुरु जी दी गल नूं सही मन गए ते गुरु जी दे पक्के शरदालू बन गए। सतनाम श्री वाहिगुरु।